हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर जो मैं बात करने वाला हूं वो है कि जो नोट्स होते हैं कोचिंग के नोट्स, उनका क्या रोल होगा आपके प्रिपरेशन में। दोस्तों, मैंने अपने चैनल के ऊपर काफ़ी रिव्यू किए थे नोट्स को लेकर, जैसे कि विजन आईएएस, वाजीराम एंड दृष्टि आईएएस का भी मैंने कर रखा था। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम के लिए आपको विजन के नोट्स लेने ज़्यादा ज़रूरी होंगे या फिर दृष्टि आईएएस के। कहने का अर्थ है कि दोनों में से कौन से ज़्यादा आपके लिए काम करेंगे। सो इस टॉपिक के ऊपर पूरा अपन एनालाइज करेंगे। सो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना वक्त को जाया किए हुए। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको नोट्स खरीदने ही क्यों चाहिए, ये क्वेश्चन आपके मन में हमेशा आएगा। और बहुत से टॉपर होंगे जिनके आपने वीडियो देखे होंगे, तो हमेशा वो बहुत से आपको बुक्स रेफर करेंगे और साथ में आपको एनसीईआरटी को बोलेंगे पढ़ने के लिए। लेकिन कोई भी टॉपर आपको कोचिंग के नोट्स कभी नहीं कहते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जो इतने भी आप टॉपर्स के वीडियो देखते हैं वो या तो फिर किसी ना किसी कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर वो बोलते हैं। इसके कारण वो जिस कोचिंग से पढ़े हुए होते हैं उसका एक तो वो नाम नहीं ले पाते हैं, दूसरी बात वो जब भी बोलते हैं तो कोचिंग के नोट्स उनके साथ में, जब भी वो कोचिंग करते हैं तो उनके साथ में अवेलेबल करवाए जाते हैं। सो वो उनको एक साइड सोर्स के रूप में, मतलब वो उनका ऐसा मानना है कि इनके साथ में आते तो उसके कारण वो शायद नहीं बोलते। पर जैसे कि आपने ट्रिनिटी डाबी मैम का वीडियो देखा होगा, जैसे कि उन्होंने जहाँ से कोचिंग की थी वो हमेशा नोट्स के बारे में प्रेफरेंस जरूर देते हैं। तो दोस्तों, मेरा भी मानना यह है कि कोचिंग के नोट्स आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा रोल करते हैं और आपको खरीदने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए खरीदने चाहिए, पर आपको कुछ एक सब्जेक्ट के लिए कोचिंग के नोट्स जरूर प्रेफरेंस देने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको एक बेटर और बेयर मैनर में आपको सारे प्रिपरेशन का एक सोर्स मिल जाता है। स्टैंडर्ड बुक्स तो है ही है, साथ में सिलेबस है, एनसीईआरटी ये सब तो है ही है। पर दोस्तों, हर सब्जेक्ट के लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने जाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा। जैसे कि दोस्तों, आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का नाम सुना होगा, लक्ष्मीकांत आप जरूर पढ़ोगे। हिस्ट्री के लिए आप इंस्पेक्टर यहाँ पे विपिन चंद्रा को आप फॉलो करोगे, मान लिया, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए आपको बहुत सी बुक बताई जाएगी, इनमें से ये पढ़ो ये पढ़ो। आप जैसे कि ज्योग्राफी है उसके अंदर जिसे लियोंग बोला जाएगा, माजी दूसन बोला जाएगा, तो आप इसमें से किसी भी एक बुक्स को पढ़ने का बोला जाएगा। दोस्तों, इस हिसाब से अगर स्टैंडर्ड बुक्स को आप गिनने जाए तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा और इतना बल्कि मटेरियल होगा जिसको आप पढ़ने में भी आपके मतलब पूरे साल निकल जाएगा पर आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने विजन आईएएस जब क्लासेज ली तो सर का ऐसा माना, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर के लिए सब स्टूडेंट बोलेंगे, जितने भी टॉपर्स होते हैं वो आपको नितिन सिंघानिया बोलेंगे। पर दोस्तों, आप नितिन सिंघानिया को जब पढ़ेंगे तो उसका इतना वेटेज है, मतलब आप जितनी वो मोटी बुक है उतना उसका रोल नहीं है। इसके कारण सर का यही मानना है कि आप अगर क्लास के नोट्स पढ़ लो, साथ में जो विजन है इसके नोट्स दे रखे वो पढ़ लो, तो आपका काम हो जाता है। और मेरा भी यही मानना है कि लगभग आप उनको पढ़ लेते हो तो लगभग जितना काम अगर आएगा क्वेश्चंस इजी आएगा और जो सबसे होगा तो वो आपसे हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चंस आ गया जो किसी से नहीं होगा तो वो किसी से होगा भी नहीं, ठीक है। सो वो बात रही। अब रही बात कि आपको दृष्टि आईएएस के नोट्स को खरीदना चाहिए या फिर विजन आईएएस के नोट्स को। सो दोस्तों, इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि विजन आईएएस का जो मटेरियल है वो सबसे सुपर मटेरियल आता है, उसके मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं है। विजन आईएएस का मटेरियल काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है उनके फैकल्टी के द्वारा। और रही बात दृष्टि आईएएस की, तो दोस्तों दृष्टि आईएएस का मटेरियल भी काफ़ी अच्छा मटेरियल है, पर अगर दोनों में कंपेयर करने की बात की जाए तो मैं विजन आईएएस को हमेशा ऊपर रखूँगा। इसका जो रीज़न है वो ये है दोस्तों कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो दृष्टि आईएएस का मटेरियल आपके काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ये फैक्टर सबसे बड़ा होता है। क्योंकि दृष्टि आईएएस ने जिस हिसाब से लूट रखी है स्टूडेंटों से पैसों के मामले में, ये बहुत गलत बात भी है, क्योंकि इतनी बड़ी फैकल्टी, इतनी बड़ी कोचिंग है, लेकिन जिस हिसाब से इनकी फैकल्टी यूट्यूब के ऊपर आती है, जिस हिसाब से उनको अच्छी बातें बोलती है, उस हिसाब से उनका वो मैनर है नहीं जिस हिसाब से ये मटेरियल का पैसा हमसे लेते हैं। आप अगर एक इनके क्विक बुक के सेट को लेंगे या इनका अलग अलग मटेरियल दिखा रहे हैं, मतलब आपको क्या पढ़ना चाहिए उनको खुद को भी नहीं पता है वो क्या दे रहे हैं, ठीक है। क्विक बुक के लिए वो आपको अलग से मटेरियल देंगे, आपको डीएलपी के रूप में जो घर पर आपको मटेरियल पहुँचाया जाएगा वो आपको अलग बुक्स दे रहे हैं, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट के लिए वो अलग बुक्स दिखाएंगे और एनसीईआरटी आपको अलग से वो दिखाएंगे, ठीक है। ऑल ओवर अगर इन बुक्स को आप देखेंगे तो आपका इतना बड़ा मटेरियल बन जाएगा, अगर इनको आप एक अपनी दो साल तक भी आप इनको पढ़े तो मेरा मानना ये है कि आप कंप्लीट इस मटेरियल को कभी नहीं पढ़ पाएंगे। दोस्तों, आप कभी भी टॉपर्स की बात पे मत जाइएगा, कि टॉपर्स जब भी कोचिंग क्लासेस के किसी भी सेमिनार में जाते हैं तो उनके साथ में वो ऐसी बात होती है कि उनको ऐसा बोलना पड़ता है, पर ये रियलिटी होती नहीं है। सो विजन आईएएस के नोट्स की बात रही तो मैं विजन आईएएस को क्यों कहूँगा कि आपको खरीदना चाहिए, आपको दृष्टि आईएएस को नहीं खरीदना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो विजन आईएएस का मटेरियल काफ़ी कंसाइज मटेरियल में मिलेगा, कंसाइज मैनर में मिलेगा। जैसे कि उनकी एक बुक है तो वो एक ही बुक है, उनके लिए उन्होंने साइड से अलग से मटेरियल नहीं निकाला, जैसे कि विजन दृष्टि आईएएस वाला निकाल लें, क्विक बुक अलग से वो निकालेंगे, प्रैक्टिस सेट अलग से निकालेंगे, एनसीईआरटी अलग से निकालेंगे, पर दृष्टि विजन आईएएस वाले आपको सारा एक ही बुक में कंपाइल करके देंगे, ठीक है। और रही बात विजन दृष्टि आईएएस का मटेरियल लेने जाएंगे, जैसे कि आप डीएलपी वाला वो प्रोग्राम का वो मटेरियल खरीदे वो करीब 19,000 से ऊपर का आएगा।
दोस्तों मैंने भी अपने चैनल पे ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको जो फोटोकॉपी होती है उसके बारे में बताया था कि जो ये मटेरियल आता है इसकी फोटोकॉपी लाओगे तो आपको काफ़ी सस्ती पड़ेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन भी मिलेगा। पर दृष्टि एस वालों ने इसके ऊपर स्ट्राइक दे दी, क्योंकि पता नहीं मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक दी है मुझे नहीं पता, किंतु उन्होंने स्ट्राइक दे दी। सो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा काम है आपको नॉलेज देना। सो मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आपको अगर कम मटेरियल में सारे सामग्री मिल रही है तो आप वो पढ़िए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जितना कम और बार बार पढ़ोगे उससे सिलेक्शन होगा, ना कि बहुत सारा मटेरियल पढ़ोगे तो उससे सिलेक्शन होगा। सो इसी बात को मैं ज़्यादा खींचूँ, इससे बढ़िया कम शब्दों में एक ही साफ बात कहूँगा कि अगर सब मटेरियल में बात की जाए तो विजन का मटेरियल काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दृष्टि का मटेरियल ख़राब है। बस इतना कहूँगा कि विजन है इसका मटेरियल कम और काफ़ी फोकस टू सिलेबस है एज़ कम्पेयर टू दृष्टि आई एस। दृष्टि आई एस वाले आपको PhD करवाना ज़्यादा चाहते हैं, ना कि UPSC का कम, क्योंकि इतना सिलेबस इतना ज़्यादा होता है इनको पढ़ने के लिए। ये है कि अगर आप दृष्टि आई एस को पढ़ेंगे तो और किसी बुक को पढ़ने की भी नीड नहीं है, इतना ज़्यादा मटेरियल हो जाता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इनकी PDF को फॉलो कर सकते हैं, इनकी कहीं पर भी जो एक मॉडल PDF होती है वो मिल जाती है। दोनों में से किसी एक को फॉलो कीजिए और आपको लगता है कि दोनों में से किसका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको पढ़ने में लग रहा है सो वो खरीदिए। लेकिन मैंने अपनी एक राय बताई है, सो उसको आप देख सकते हैं। बाकी मेरे मुझे लगता है जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया है। और बाकी आपको इस मटेरियल वेजन है इसके मटेरियल के बारे में और जानकारी चाहिए तो इसका मैंने एक रिव्यू भी कर रखा है, वो इंग्लिश मीडियम का कर रखा है, पर हिंदी मीडियम का मटेरियल इंग्लिश मीडियम का मटेरियल सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है, दोनों सेम और एक जितने बेजी होते हैं, ठीक है। सो उनको आप देख सकते हैं। सो मुझे लगता है वीडियो मेरा ख़त्म हो चुका है। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद साथियों।